हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे दोस्तों, आज मैं आपको एक मिनी इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाऊंगा कितना ये लोड ले सकता है, क्या क्या आप इसमें चला सकते हो। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें मिलता है, ये आरी कोड कंपनी का दोस्तों। इसके इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले ओपन करते ही हमें सबसे ऊपर एक इंडिकेटर, एक स्विच और दो 5-पिन प्लग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 5-पिन सॉकेट भी आप बोल सकते हैं। तो निकाल लेता हूँ मैं आपको। सबसे अच्छी बात इनकी है, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है दोस्तों, आरी कंपनी के। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं। तो आपके साथ यहाँ पे 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के कॉम्बो 2-in-1 भी है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 12 वोल्ट का है, और आपको 5 वोल्ट का USB चार्जर भी मिलता है। और ये आप घरों में और ऑटोमोबाइल्स यानी कि कोई भी गाड़ी कार में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको इंडिकेटेड है दोस्तों कि आपको किस किस में इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल चार्जर है, मॉस्किटो रिपेलेंट रैकेट है, LED है, LCD है, CFL है, LED बल्ब है, और कोई भी अप्लाइंस हो जो 20 वाट से ज़्यादा ना हो। और एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को रन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दो आपको बैटरी के कनेक्शन वायर मिलते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो रेड पॉजिटिव के ऊपर, प्लस के ऊपर, और ब्लैक माइनस के ऊपर जाएगा। और एक आपको यहाँ पे स्विच मिलता है, एक स्विच मिलता है, एक इंडिकेटर मिलता है, और दो आपको 5-पिन सॉकेट मिलते हैं, और एक आपको फ्यूज लगा हुआ मिलता है जो कि बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज खराब हो जाएगा और आपका सर्किट बिल्कुल सेफ रहेगा। जैसे ही इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें एक नॉर्मल सर्किट है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इस खास इसके अंदर है नहीं, सिंपल एक फ्यूज़ है जो कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे के ऊपर कनेक्टेड है। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा और हमारा सर्किट सेफ रहेगा। तो इसमें दो MOSFET लगे हैं, एक ट्रांसफॉर्मर है, एक 7805 की IC लगी है जो कि हमारे मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल IC जो इन्वर्टर, जो छोटे इन्वर्टर होते हैं उनके लिए IC लगी रहती है, और सिंपली एक ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह। तो आप ये घर पे भी बना सकते हैं दोस्तों ऐसा ही। अगर आपके पास कोई सर्किट अवेलेबल है आप इंटरनेट से डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूं और इसको यूज़ करते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। आप कोई भी बैटरी ले सकते हैं, कार की, बाइक की, या फिर आप बस की या ट्रक की, किसी भी तरह की बैटरी का इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट हर तरह के आते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट पे है तो 12 वोल्ट पे, या फिर आप 24 वोल्ट का भी परचेज कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बो भी मिलता है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे LED बल्ब ग्लो करके दिखा देता हूँ कितना ये लोड ले लेता है। तो सबसे पहले मैं 9 वोल्ट का जो LED बल्ब है उसको लगा के दिखाऊंगा। मैं मैक्सिमम लोड लेके दिखाएंगे दोस्तों, इसमें 20 वॉट तक का लोड ये कंपनी क्लेम करती है। तो सबसे पहले मैंने 9 वॉट का बल्ब लगाया है, तो ये इजी जल जाना चाहिए। आपको एक टाइम में एक ही प्रोडक्ट काम में लेना है, या कि एक ही इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी LED या फिर चार्जर एक टाइम में एक ही यूज़ करना है, दोनों एक साथ नहीं करने। तो हमारी 9 वॉट की जो LED है वो बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। अब मैं आपको तो दूसरी LED है दोस्तों वो रहेगी हमारी 12 वॉट की। तो 12 वॉट की LED मैं आपको यहाँ पे जला के दिखाऊंगा, ये भी अच्छे से ग्लो करेगी क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि 20 वॉट तक ये अच्छे से, 20 वॉट से ज़्यादा लोड इस पर आप नहीं डाल सकते। तो इसमें 12 वॉट की जो LED है वो भी अच्छे से वर्क कर रही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं 25 वॉट की LED ले रहा हूँ, ये देखिए। अब एक बार मैं जला के देखूंगा, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे ना करें, आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ऑन हो जाती है, लेकिन सर्किट में से कुछ आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे आप ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ कर रहे हैं तो एक अलग सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है बजर की तरह। तो मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो अब मैं आप मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो मैंने दो सैमसंग के मोबाइल चार्जर लूँगा, दोनों साइड में लगाऊंगा, क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो एक चार्जर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ऑन करते ही, तो हमारा जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग के साथ मोबाइल चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं दूसरी जो हमारा 5-पिन सॉकेट है उसमें दूसरा चार्जर मैं लगाता हूँ। तो इसमें लगाने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये पूरी
यही हमको देखना है। तो जैसे ही मैं मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ तो चार्जिंग पे तो आ जाता है, लेकिन जो हमारा एलईडी इंडिकेटर है ये देखिए, और वो हल्का हल्का ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दूसरा चार्जर जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये इंडिकेटर, बल्ब इंडिकेटर, ये ग्लो करना यानी कि ब्लिंक करना स्टार्ट करने लग जाता है, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो ओवरलोड हो रहा है। तो आप सिर्फ़ एक का ही यूज़ करें। अब भी ये कर रहा है क्योंकि मैं जब तक इसको बंद करके चालू नहीं करूँगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। ये देखिए तो हमारा चार्जर है वो भी अच्छे से काम करता है, लेकिन आपको एक टाइम में एक ही 5-pin सॉकेट का यूज़ करना है, या फिर एक ही LED या फिर एक ही चार्जर आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास, हमको ये 5-pin जो 5 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर पोर्ट दिया है, USB पोर्ट, उसका भी मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखिए तो चार्जर तो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इसके ये बहुत ही स्लो चार्ज करता है दोस्तों। जब मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट किया था, इसके ऊपर इंडिकेटेड आया था कि 2 घंटे 41 मिनट में आपकी बैटरी फुल होगी, जबकि 60% बैटरी हमारी जो मोबाइल बैटरी वो चार्ज थी। तो उसके बावजूद भी इसने 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा ही हमें टाइम बताया। तो ये चार्ज तो करता है लेकिन बहुत स्लो स्पीड से, तभी हमारा मोबाइल शो करता है कि चार्ज कनेक्टेड प्रॉपरली। तो ये देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको ये मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई ऑटो है या फिर कार है या ट्रक है या बस है, किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल है या बाइक है, आप लंबे टूर्स करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं बाइक लेके, या फिर किसी भी तरह का 4-wheeler, 3-wheeler या 2-wheeler लेके जाते हैं, तो उसके साथ आपको इसका आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेरे को लैपटॉप चार्ज करने के लिए लगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ है जो रोड साइड में जो ठेले वगैरह जो भी लगाते हैं, चाउमीन बर्गर वगैरह के जो ठेले रहते हैं, उन भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। एक LED आपका अच्छे से कम 9 वाट या 10 वाट की कोई भी LED आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी देर तक और खूब अच्छे से वर्क करेगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।